नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के एक ऐसे नए फीचर के बारे में जिसकी वजह से इंस्टाग्राम जो है वो अब टिकटॉक बन चुका है। तो इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टोन शो को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लें। तो बेसिकली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये सब आप सभी को पता है कि अभी इंडिया और आप जानते हो इसके बीच में चाइना के बीच में जो है स्टैंड ऑफ चल रहा है, और स्टैंड ऑफ के चलते हुए गवर्नमेंट ने भी कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस लेने चाहिए थे, जो कि बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, वो डिसीजन अब लिए कि 59 जो है ऐसी ऐप्स को इंडिया ने बैन कर दिया। उन ऐप्स के अंदर टिकटॉक भी था, और टिकटॉक के इंडिया में काफ़ी सारे यूज़र्स थे, और टिकटॉक की वजह से कई सारे जो यूजर्स थे वो सो कॉल्ड टिकटॉक स्टार भी बन गए थे। इसके साथ ही टिकटॉक ने बहुत सारे लोगों का जिनमें जेन्युइनली टैलेंट था उनका टैलेंट भी बाहर निकाला था। लेकिन ओवरऑल टिकटॉक जो था वो सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ थी, क्योंकि इसकी वजह से यूथ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा था। तो टिकटॉक बैन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो खुश थे, और सभी यूट्यूबर्स तो बेसिकली हैप्पी ही थे। लेकिन अब यहाँ पर एक और नई चीज़ आ गई है। इंस्टाग्राम पहले से ही इस बारे में सोच रहा था, और जैसे ही अब टिकटॉक बैन हुआ इंस्टाग्राम ने अपना नया जो फीचर है वो ला करके सामने रख दिया है। तो बात करते हैं कि इंस्टाग्राम ने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है रील्स। तो ये जो रील्स इंस्टाग्राम का जो नया फीचर है ये हूबहू टिकटॉक की तरह ही है। इसके अंदर भी लोग जो है वो 15 सेकंड का एक वीडियो बना सकते हैं, और जिस तरीके से टिकटॉक में म्यूज़िक के ऑप्शंस आते थे, फ़िल्टर वगैरह आते थे, या बेसिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती थी, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर आपको रील्स में भी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें कि आपको ये फीचर इंस्टाग्राम में कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आपको आपकी जो इंस्टाग्राम ऐप है उसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद आप जब स्टोरीज लगाते हैं तो उसमें जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको रील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और अगर आप उस ऑप्शन को चूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको पूरा टिकटॉक के टाइप इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से टिकटॉक में लोग वीडियो बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी वीडियो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इससे इंस्टाग्राम के जो मीमर्स लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बुरा फील हो रहा होगा, और जैसा कि आमिर सिद्दीकी ने अपने उस टाइम कहा था कि अगर हम तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो इंगेजमेंट बिगाड़ देंगे, ऐसा ऐसा। तो मे भी अब ऐसा हो सकता है शायद, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है अब इंस्टाग्राम में इस फीचर की वजह से इंस्टाग्राम के जो बाकी कंटेंट था उस पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ने वाला है। लोग जो इंस्टाग्राम पे मीम्स देखते थे या IGTV वीडियोस देखते थे उनकी बजाय अब हो सकता है कि लोग ज़्यादा ज़्यादा ये जो रील्स है इसकी तरफ शिफ्ट कर जाए। तो अब देखना होगा कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। बाकी बेसिकली ये जो भी नया जो फिल्टर आया है इंस्टाग्राम का, इसको लोग अप्रिशिएट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्योंकि जिस तरीके से इंस्टाग्राम ने अपने इस फीचर को लाया है उसने टिकटॉक को ही एक तरीके से इंस्टाग्राम में फिट कर दिया है। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं।